मैं कुणाल तिवारी और मैं हाथ जोड़ के भोजपुरिया दर्शक का स्वागत करता हूँ। और एक्चुअली हम सारे लोग जो हैं भोजपुरी के कलाकार हैं और हमारी जो फिल्म गुंडे है उसका अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और हम लोग यहाँ एडिटिंग के लिए आए हैं। और मेरे बगल में प्रज्ञा जी हैं, इस फिल्म में ये हीरोइन है, और सचिन झा जी हैं वो प्रोड्यूसर हैं, और रजाक भाई हैं ये प्रोड्यूसर हैं हमारे फिल्म के। और मुझे लगता है कि ये हम लोग जो है अप्रैल एंड या मई फर्स्ट तक रिलीज़ कर पाएंगे इस फिल्म को। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का ये पर्सनल मानना है कि ये फिल्म जो भोजपुरिया दर्शक हैं उनको बहुत अच्छी लगी। प्रज्ञा, क्या रोल है फिल्म में? नमस्कार, मैं प्रज्ञा तिवारी। मेरा इस फिल्म में एज एक्ट्रेस ही रोल है, और इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं लाइक विराज भट्ट जी, रानी चटर्जी जी, अंजना सिंह जी, और हमारे हीरो कुणाल तिवारी जी, और अजाक खान फिल्म प्रोडक्शन एंड डीवीएस प्रोडक्शन के अंतर्गत जो ये फिल्म बन रही है, मेरे ख्याल से ये सबसे हट के फिल्म होगी। और मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार वो ज़रूर जाके सिनेमा हॉल में हमारे फिल्म को देखें और हमें प्यार और आशीर्वाद दें। हीरोइन आप हो, लेकिन हीरो तो डांस अंजना सिंह के साथ कर रहा था, क्यों ऐसा? थोड़ी देर बाद आपको नजर आएगा, क्योंकि असली बोलती है ना हमेशा से कि जो मेन पॉइंट होता है आई थिंक शो, उसको लास्ट में ओपन करते हैं, ज्यादा मजा आता है। साहब, ऐसा क्या लगा कि फिल्म प्रोड्यूस की जाए वो भी गुंडे के नाम से? सर, एक्चुअली आजकल जितना गुंडा बढ़ रहा है, रेफ है, कितना सारे प्रॉब्लम्स है मार्केट्स में, तो हमारा मतलब ये कहना है कि गुंडे बन के वो हीरो की तरह वर्क करे और एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट रेडी करे। सर साहब, फिल्म अलग कैसे है? हर भोजपुरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही कहता है फिल्म अलग है। सबसे पहले मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार झा है और मैं सभी भोजपुरी दर्शक को प्रणाम कहना चाहूँगा। ये फिल्म कुछ लीक से हटकर है, जैसे हर पिक्चर की एक स्टोरी बेस कुछ अलग होती है। हमारे स्टोरी में क्या होगा कि हम स्टोरी आप जब तक एंड तक नहीं देखेंगे आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इसका जो भी मजा है इंटरवल के बाद है, या आप कहेंगे तो एकदम लास्ट सीक्वल में, उसके पहले आप स्टोरी को समझ नहीं पाएंगे, एकदम अचंभित रहेंगे। और हमने कंफ्यूज किया है लोगों को, दर्शक कंफ्यूज रहेंगे हमारी स्टोरी में, यही हमारी स्टोरी की खासियत है। और इसमें ज़्यादातर हमने VFX का इस्तेमाल किया है, जैसे साउथ के फिल्मों में आप देखते हैं ये मारधाड़ से भरपूर। लगभग मेरे हिसाब से हमारे सिनेमा में कम से कम 18 से 20 फाइट सीन्स होंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब ये एकदम साउथ का तड़का हमने देने का फुल प्रयास किया है। और मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि वो थिएटर में आकर अपना आशीर्वाद हमें दें। कुणाल, भोजपुरी दर्शकों के बारे में कहा जाता है कि अभी बहुत मैच्योर नहीं है, ऐसी कहानी जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और लास्ट में कंक्लूजन समझ में आएगा, ऑडियंस पसंद कर पाएगी? पता नहीं सर आप कहाँ से हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप एक बार जाइए बिहार या UP किसी बहुत ऐसे गांव में जहाँ पे आज भी लोग जाते हैं और गाय भैंस चराते हैं, उनके पास भी आजकल 4G और वाईफाई है और अपने मोबाइल में जो है वो वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो मेरा मानना है कि वो काफ़ी समझदार है और समझेंगे। साहब, फिल्म कब तक आ सकती है थिएटर्स में? सबसे पहले तो मेरा नाम रजाक खान, भोजपुरी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और फिल्म आने का हम लोगों का भी पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, हम लोग कोशिश है कि जितना जल्दी में भी जितना जल्दी पॉसिबल हो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको थिएटर तक लाने की, बट फिर भी आई थिंक अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक तक हम लोग कोशिश करेंगे कि दर्शक जो है हमारी सिनेमा को देख पाएंगे थिएटर्स के अंदर। और हमने एक बेहतरीन लेवल पे कोशिश की है अपनी तरफ से बहुत अच्छा सिनेमा बनाने की, शायद सारे दर्शक लोगों को सबको शायद हमारा सिनेमा जो हमने कोशिश की है वो उनको पसंद आए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं सिनेमा के वो सारे हमें आशीर्वाद दें और प्यार दें। प्रज्ञा, ज़्यादातर नए एज के लोग मुझे आसपास नज़र आ रहे हैं, एक यंग टीम है, कैसा एक्सपीरियंस था शूट का? शूट पे मैं आपको बता दूँ ये फिल्म बनाना एक टीम वर्क है, और टीम वर्क में एक छोटे से छोटे लेवल का लेके और बड़े स्टार्स तक हमको फील नहीं हुआ कि हम कहीं अलग काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पारिवारिक माहौल है और सबने अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ किया, हमें इस टीम में काम करके बहुत ही मजा आया। कुणाल, आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अभी एक मैंने फिल्म की है तुम्हारे प्यार की कसम, वो जो शाद कुमार उसके डायरेक्टर हैं, उसमें कल्लू है और काफ़ी भी सारे स्टार्स हैं उसमें, एक्चुअली उसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस। इसके अलावा एक फिल्म कर रहे हैं त्रिकाल, रवि किशन जी है, मैं हूँ, एक हीरो जो है उसका जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होंगे उसका सिलेक्शन करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है रजा खान प्रोडक्शन और जो है TVS इंटरटेनमेंट मिल के फिर कोई फिल्म बनाएगी और मुझे लगता है कि वो मुझे फिर से दोबारा लेंगे, तो आपको आगे जो है दिखेंगी फिल्म। सर,
बतौर प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, बहुत सारे पैसे लगाता है, कई बार भोजपुरी फिल्में उतना अच्छी रिकवरी नहीं दे पाती हैं, इस फिल्म से उतनी उम्मीदें हैं? सर हमारा मकसद, मेन मकसद यहाँ पे प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि एक अच्छा मैसेज देना, और मतलब जो भी हमारा मेन टारगेट है कि जो भोजपुरी में अभी तक जैसे मूवी बनते आए, हमारा मूवी कुछ हटके तो ये आपको कुछ नया मिलेगा इसके अंदर। तो हमारा मेन टारगेट कुछ नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग, यहाँ पे मेन टारगेट है कि एंटरटेनमेंट। कुणाल को लेकर कोई दूसरी फिल्म अनाउंस की जा सकती है? हाँ, हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मई में हमने सोचा है, कुछ प्रोजेक्ट पे हमारी बातचीत चल रही है, जैसे ये क्लियर हो जाएगा हम ये डिक्लेयर कर देंगे। और हम ये चाहते हैं कि भोजपुरी में जैसे अश्लीलता को हटाया जाए, जैसे लोग अगर भोजपुरी कहते हैं तो भोजपुरी लोग सिनेमा को एक बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, जैसे अदर रीजनल्स के हिसाब से। जैसे आप तेलुगु में देखिए, जैसे बाहुबली बनी जिसने 600 करोड़ रुपया जिसमें इन्वेस्ट किया गया था और हजारों करोड़ पिक्चर ने कमाया है, लेकिन भोजपुरी का नाम जैसे ही आता है तो उसे नीची नज़र से लोग देखते हैं। तो वो चीज़ हम हटाना चाहते हैं। हमारी इस फिल्म में भी आप देखेंगे कि मतलब आप परिवार के साथ देख सकते हैं, आपको कोई भी मतलब ऐसा कोई सीन ऐसे हमने नहीं क्रिएट किए हैं जो मतलब आपको लगे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, यह हम परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं आजकल, वो हमें हटाना है। हमारा मेन मकसद ये है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।